जब आप अपने अंदर ये मनस्थिर कर लेते हो और कहते हो यही वो है जो मैं चाहता हूँ, तब आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। पर अपने आप को अनस्टॉपेबल बनाने की रहस्य है अपने मन को पहले निश्चय करना। आपके मनस्थिति ऐसा होना होगा कि आपको आपके लक्ष्य को चाहिए, मतलब चाहिए ही, आपको आपके जीवन में जो कुछ चाहिए उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना ही होगा। जब आप ये कमिट करते हो कि आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ आप करोगे, तो फिर आप अनस्टॉपेबल हो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी उस शख्स को अपने सपनों को पाने के लिए रोक नहीं सकता जो अपने सपनों के लिए कुछ भी कर सकता हो। आपको ये कहना होगा कि नहीं, मैं भूल कर भी नहीं हारूंगा। जब बड़े बड़े बाधाओं की पहाड़ आपके सामने आएगा, तब आपके संघर्ष ही ये बताएगा कि आप कौन हो और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितना ज्यादा डेस्परेट हो। एक सफल इंसान और एक असफल इंसान के अंदर फर्क ये नहीं है कि उनमें से सफल इंसान ज्यादा लकी था। असल में फर्क ये है कि वो सफल इंसान अपने लक्ष्य से ज्यादा प्यार करते थे। एक सफल इंसान हमेशा से तैयार रहती है कि उन्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना होगा। आप अपने सपनों के साथ जीने के लिए क्या कर रहे हो? सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या आप नया कुछ सीखने के लिए तैयार हो ताकि खुद को बेहतर बना सको? आपके सपनों के जीवन तो बस आपके लिए ही इंतजार कर रहा है। बस दर्द को महसूस करो और अपने नाकामयाब बनने की वजह ढूंढो। आपको अपने साथ 3 शब्द रखना होगा और वो है, चाहे जो हो जाए। अपने आप को सफलता के शिखर पर महसूस करो। अब समय है एक्शन लेने का। आप ये जरूर हासिल करोगे। हमारे जीवन ही एक मिराकल है, लेकिन हम लोग बस यही बेवकूफी करते हैं और सोचते हैं कि साधारण जीवन जीने की। इस जीवन में सबसे बड़ी बेवकूफी है कि कोई भी रिस्क ना लेना और एक एवरेज जिंदगी जीना। ये आपकी जीवन है और आपकी जीवन कोई भी नहीं जिएगा, तो फिर आप अपने जीवन को कैसे जियोगे वो तो आप ही जानते हो। आप अपने लक्ष्य को कितना शिद्दत से चाहते हो वो कहने से आपको कुछ भी फल नहीं मिलने वाला। सिर्फ कहने से या फिर चाहने से आपको कोई भी फल नहीं मिलता है। जिंदगी में आपको 2 चॉइसेस मिलेंगे, या तो आप एक स्पेक्टेटर बनकर बस सब कुछ देखते रहिए, या फिर जीवन के खेल में पार्टिसिपेंट बनकर हिस्सा लीजिए। स्पेक्टेटर हमेशा से बस कहते जाते हैं, पर पार्टिसिपेंट एक्शन लेते हैं। हर कोई बड़ा लक्ष्य पाने के बारे में बात करते हैं पर एक्शन नहीं लेते हैं। पर वो क्या चीज है जो एक सफल और असफल इंसान के बीच फर्क बनाता है? असल में ये फर्क है एक्शन की। जो भी लोग जीवन में कुछ कर गुजरे हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े एक्शन लिए हैं।